एक केस जो बड़ा हर जगह छपता है, दिमाग की दही कर ली है उस केस में, और आई डोंट अंडरस्टैंड लोग क्यों प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सही कौन गलत। दुआ ज़हरा के केस के बारे में आप बताएं, बिकॉज यू गाइस आर एंकर्स, और यकीनन आप लोग ने ये नाम 100 दफ़ा बोला होगा, राइट? अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं उस केस में, और मेरी नज़र में आई थिंक सो इसके पीछे कोई रैकेट था पूरा, और अब सुनने में भी आ रहा है कि जो लड़का है जिससे उसकी शादी करवाई गई थी वो भी भाग गया है, उसका कुछ शबीर साहब थे वो भी भाग गए हैं, और उस लड़की ने अब फाइनली ये बोल दिया है कि जी मुझे इनसे थ्रेट्स मिल रही हैं, और पता नहीं क्यों वो पेरेंट्स से इतनी बदजन है, उसने बोला है कि मुझे दारुल अमान शिफ्ट कर दिया जाए। और मैंने तो यही इस केस के बाद यही क्रक्स निकाला है कि पेरेंट्स को अपने, क्योंकि आजकल का दौर जो है बहुत फास्ट हो गया है, बच्चों का फ्रेंडली होना चाहिए, आपको लोगों, अगर आपको घर में प्यार नहीं मिलता है तो आप बाहर प्यार ढूंढते हैं, बच्चे जैसे हम जब छोटे थे तो वी ऑलवेज फील लाइक यू नो अगर अम्मा अब्बा के पास जाएंगे उनसे शेयर करेंगे तो इट्स ओवर, बाहर के लोगों के साथ आप प्यार नहीं ढूंढते। तो जो बच्चे अब खासतौर पे इतने फास्ट दौर में, अगर आप बच्चों माँ बाप उनको एक पेज पे नहीं आते हैं और उनके साथ वो उस तरह से इंटरेक्टिव नहीं होते जिस तरह की उनको चाहिए होती है, उनकी ज़रूरत होती है, तो फिर बच्चे बाहर प्यार ढूंढते हैं, और फिर सारी बातें छोटी बच्ची है उसको जहाँ पे बाहर चमकती हुई चीज़ सोना ही नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा ऐड करूँगी कि जो पेरेंट्स आजकल बच्चों को मोबाइल फ़ोन से गैजेट्स पकड़ा देते हैं कि भाई मुझे अपना काम करने दो, कुछ देर चुप करके बैठ जाएगा, ये बहुत गलत है। आप जब तक आपका बच्चा एटलीस्ट इंटरमीडिएट तक ना चला जाए, खुदा का वास्ता मोबाइल फ़ोन ना दे, ये सारा कुछ हुआ है इस केस में भी, उस लड़की के पास मोबाइल नहीं था, टैब था जिसपे पबजी वो खेलती थी, और उसी दौरान वहाँ चैट पे उसकी उससे बातचीत हुई थी, तो ये चीज़ें इन बच्चों के लिए भी नहीं है, आप क्यों उनका मतलब ब्रेन नहीं, लेकिन फोन, मैं इसको ऐसे समझता हूँ डेवलप हो रहा होता है, नहीं फोन नहीं भी होगा, और घर वाले घर का माहौल अगर ठीक नहीं है तो जहाँ पे काम कर रही होगी, जहाँ पे वो पढ़ रही होगी, जहाँ पे वो रह रही होगी, वहाँ से वो बाहर लोग मिल जाएंगे, नजर रखे ना बच्चों पे, नजर आएगा चाहे वो गलत रास्ता हो या सही रास्ता, वहाँ से निकल जाएगा। एक और बात जो मैंने बहुत दफा देखी है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे आपके अपने ही है, कोई छोटू नहीं है, तो प्लीज एक होता है घर की जिम्मेदारी एक ही बच्ची पर डाल दो तो वो बच्ची फिर फरार ही ढूंढती है। एट द सेम टाइम मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जो जो लोग हायर करते हैं बेबी सिटिंग के लिए, छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे बच्चों को रखते हैं घर के काम करने के लिए, प्लीज़ ऐसा नहीं करें, दिस इज़ एक्चुअली चाइल्ड लेबर, आई एम अगेंस्ट इट। अगर आपका बच्चा है और आप किसी और बच्चे के साथ इतनी ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, उनके माँ बाप को पैसे चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग हायर करना ही बंद करेंगे तभी ये मुल्क बदलेगा, यू नो इस तरह नहीं बदलेगा। सो आई रियली होप दैट द गवर्नमेंट टेक्स अ स्टैंड, क्योंकि बड़े खौफनाक 2-3 वाक्य हुए हैं एंड दैट वाज रियली सैड। सो आप बताओ, जब कोई ऐसी सैड खबर आती है या ऐसा कोई वाक्य हो जाता है दैट रियली मेक्स यू सैड, तो कैसे डील करते हैं? अच्छा, हम लोग अभी पिछले दिनों वाक़ जिस पे हमारी एक्चुअल में पर्सनल लाइफ के हवाले से गपशप शुरू हुई, और वो थी वो वाक़ जिसमें वो खातून को उन्होंने पहले मारा उसके हस्बैंड ने, फिर उसके बाद उसको देचके में डाला और फिर सारी रात उस पर गर्म पानी फेंकता रहा। What? वो कहाँ का वाक़ था? जी, वो गुलशन का था, कराची का ही वाक़ था। और उस आदमी की बेटी ने ये सारा कुछ देखा था, और उसने बाद में बोला कि जी मेरा बाप मेरे भाइयों को दो लेके फरार हो गया और दोनों बेटियों को ऐसे ही छोड़ दिया और माँ को उनकी मार दिया और मुँह पे तकिया रख के पहले मेरे अब्बू मेरी मम्मी को मारा, उसके बाद उनकी टांगें तोड़ी, बाजू तोड़े और उनको एक बड़ा सा देखचा था जिसमें उनको डाला, और वो आदमी उनके सर पे गर्म पानी डालता रहा, और मैंने वो वीडियो देखी है, खुदा अल्लाह माफ करे कि उनकी पूरी स्किन उसके सर की बिल्कुल उतरी हुई थी। और हम मां से ही बात कर रहे थे कि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो अब छोड़ दो, आप अलहदा हो जाओ, नहीं फिक्र करो कि वो क्या बनेगा उसका, rather than that कि you are going to kill that person, और उसके साथ इतनी अज़ियतनाक मौत देना उसको। अभी एक वाकया शिकागो में भी हुआ है, वेरी नाइस गर्ल, अ वेरी डियर पर्सन, अ स्वीट फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड ने उनको गोली मार, दिया और खुद को भी मार दिया। तो मैं माँ बाप को ये बोलूँगी, प्लीज़ अपनी बेटियों को ये एक एक सहारा दो और उनके साथ एटलीस्ट रहो कि अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है वो आपके घर पर आ सकती हैं। बेटियां बोझ नहीं है, ये वक्त आई थिंक बदलना चाहिए, लोगों की जहनीत बदलनी चाहिए कि लोग, एक होता है ना एक पुरानी सी सेइंग थी कि अब तुम शादी होकर तुम्हारी अब अर्थी ही निकलेगी, तो ये वाले वाकई ये जो बातें होती है, जो बकवास होती है, ये करना बंद करें। ये मूवीज़ में ही अच्छे लगते हैं, डायलॉग डिलीवरी तक ही अच्छे लगते हैं, रियलिटी में आप लोग की बेटियाँ मर जाती है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।